Bollywood megastar Amitabh Bachchan went down memory lane when he was diagnosed with tuberculosis and how he fought it at a charity function he attended on Sunday evening. Recalling one of his earlier incidents, Bachchan said, 2000 में सन 2000 में जब मैंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू की उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था और कुर्सी पर बैठने में तकलीफ होती थी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया उस डिटेक्शन के बाद उसका इलाज हुआ और आज मैं टीबी से मुक्त हूं लेटर ही नरेटेड अनदर इंसिडेंट ही सेड एक दिवाली के दिन त्यौहार पर एक अनार जो था वो मेरे हाथ में फट गया और मेरा बाएं हाथ जो था वो पूरा एक मांस का एक रूप बन गया न उंगली थी ना खून थे ना कुछ था धीरे धीरे उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो सब वापस आ गया कहने का तात्पर्य यह है मेरा हाथ चला गया वापस आ गया लेकिन जितने महीने ये मेरा बाएं हाथ नहीं था मेरे पास कितना कष्ट होता है जब शरीर का एक अंग उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इसका आपको कोई अनुमान नहीं He narrated these events from his life in respect to challenges one faces when one doesn't have a limb. He distributed hearing aid kits among some hearing impaired persons at a charity function he attended in Juhu, Mumbai. IANS report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.